दोस्तों आज हम वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बारे में बात करेंगे, बेस्ट फर्टिलाइजर बनाएंगे। जैसा आप कह सकते हैं कि ये एक टॉनिक का काम करता है आपके मार्केट में, तब तक आप इसको दे सकते हैं। ये एक बेस्ट फर्टिलाइजर है आपके प्लांट्स के लिए, अच्छी चीजें हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर को घर पर ही बना सकते हैं। मेरे आसपास इतने सारे प्लांट्स हैं और सभी को मैं ऐसी ही लिक्विड फर्टिलाइजर्स देती रहती हूं, तो क्यों हूं तीसरी बार मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपने प्लांट्स को हरा भरा रख सके। हम इसमें उतना ही प्लेन वाटर मिला देंगे, यानी कि 1:1 के रेशियो से हम इसमें, तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। दोनों ही तरीके से आपके प्लांट्स की ग्रोथ होगी, आपके प्लांट्स की स्टेम्स मजबूत होगी, यानी कि जड़ें मजबूत होगी, उसके स्टेम्स मतलब उसकी टहनियां मजबूत होगी। उसको हम अपनी कंपोस्ट में यूज कर लेंगे, कंपोस्ट में भी कंपोस्ट का जो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और हमारी फ्री की कंपोस्ट बन जाएगी, तो ऐसे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहे और हमारी फ्री में कंपोस्ट भी तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों कंपोस्ट को घर में बनाने का ना एक अलग ही मजा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कविता तिवारी और आपका आपके यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ कविता में स्वागत है। दोस्तों आज हम वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो भी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तरबूज तो आप खाते ही होंगे गर्मियों में, तो उसके बचे हुए पार्ट यानी कि उसके छिलकों से हम अपने गार्डन में एक बेस्ट फर्टिलाइजर बनाएंगे। जैसा आप कह सकते हैं कि ये एक टॉनिक का काम करता है गर्मियों में आपके प्लांट्स को गर्मी से, तपती गर्मी से बचाने का। जब आपके प्लांट्स बिल्कुल झुलस जाते हैं ना, तब आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप फरवरी से लेके इसको अक्टूबर नवंबर तक, जब तक ये तरबूज आता रहता है ना आपके मार्केट में, तब तक आप इसको दे सकते हैं। ये एक बेस्ट फर्टिलाइजर है आपके प्लांट्स के लिए। इसमें क्या क्या होता है? इसमें दोस्तों आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सभी चीजें होती हैं। क्या नहीं होता तभी तो मैं बता रही हूँ कि इसमें ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें ओवरऑल सब कुछ ही चीजें हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर को घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों एक चीज और बताने वाली हूँ, जो इसका बचा हुआ पार्ट होता है ना, वो भी हम यूज करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। आप देख ही सकते हैं मेरे आसपास इतने सारे प्लांट्स हैं और सभी को मैं ऐसी ही लिक्विड फर्टिलाइजर्स देती रहती हूँ, तो गर्मियों में मैं इनको बिल्कुल ये देती हूँ। दो तीन बार मैं अभी भी इनको दे चुकी हूँ, तीसरी बार मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपने प्लांट्स को हरा भरा रख सके, उनके फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सके बड़े साइज में और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। और दोस्तों खास बात, जब आपका प्लांट मरने वाली कंडीशन में हो जाता है ना, तब भी आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो दोबारा से सर्वाइव हो जाएगा और आपका प्लांट जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। आपके प्लांट्स के स्टेम्स को भी मजबूत करता है, आपके प्लांट्स के पत्तों को ग्रीन रखने में हेल्प करता है, तो है ना दोस्तों काफी ज्यादा फायदे। और हम इसकी एक चीज से दो चीजें बनाने वाले हैं, तो चलिए आज बता देती हूँ कि इनसे हम कैसे और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और कितने कितने टाइम के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वाटरमेलन। वाटरमेलन तो हम सभी घर में मिलता ही है और सभी खाते भी और शौकीन भी होते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। तो इस वाटरमेलन को हमने करना है कट, बाकी तो हमने खा ही लेना है, मगर जो इसके जो पीसीज होते हैं ना दोस्तों, इससे हम फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइजर बनाना है ना, तो हम इसके छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप बड़े टुकड़ों में काटेंगे ना तो थोड़ा सा फर्मेंट होने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके के बाउल में टिप कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ना बकेट में भी बना रखा है ये, तो मैंने इस बकेट में क्या होता है ना, इजीली बहुत अच्छे तरीके से ये डिप हो जाता है, तो मैंने इसको बकेट में या हाँ किसी बाउल में इसको डिप कर लीजिए। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जितने भी इसके टुकड़े हैं ना वो अच्छे से डिप हो जाएं, इतना पानी आप इसमें डाल के रखिए, ज्यादा भी डाल सकते हैं मगर कम मत डालिए ना। अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसमें गुड़ का भी हिस्सा डाल सकते हैं छोटा सा, ताकि जो आपका फर्टिलाइजर है वो जल्दी से जल्दी फॉर्मेंट हो सके। मैंने इसमें नहीं यूज किया हुआ है। तो दोस्तों इसे हमें रख देना है ढक्कन लगा के दो दिन के लिए, तो आपको 48 दिन का यानी कि दो दिन का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों आप इसको 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं, 3 से 4 दिन भी रख सकते हैं, मगर 5वें दिन बिल्कुल मत रखना, स्मेल मारता है बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों गर्मियों में ना इतने टाइम तक कोई चीज को रखना खराब भी है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह का या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके प्लांट्स में भी आ सकती है। तो इस तरीके से हम इसको भिगो के रख देंगे। दोस्तों उसके बाद हम इसको पानी में अच्छे से छान के
ये देखिए छन्नी की हेल्प से मैंने इसको छान लिया है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप कपड़े की भी हेल्प ले सकते हैं। कपड़े से छान लीजिए, उसके बाद हम इसमें उतना ही प्लेन वाटर मिला देंगे, यानी कि 1:1 के रेशियो से हम इसको तैयार करेंगे। तो एक हिस्सा हमारा ये हो गया फर्टिलाइजर का और एक हिस्सा हमारा प्लेन वाटर हो गया। दोनों को हम डाइल्यूट कर देंगे अच्छे से। अब हम कर लेंगे प्लांट्स की गुड़ाई। अच्छा, एक खास बात तो बताना ही भूल गई दोस्तों, इस प्लांट इसे हम जो है ना शाम के टाइम देंगे, यानी कि बिल्कुल शाम जब आप अपने प्लांट्स को पानी देते हैं ना, तो पानी देने से पहले आप इसको दे दीजिए जब आपकी मिट्टी सूखी हो। दूसरा, आप इसको अर्ली मॉर्निंग भी दे सकते हैं, ये नहीं कि आप 9-10 बजे दे रहे हैं, नहीं, आपको सुबह 6-7-5 मतलब 7 बजे तक आप इस मतलब दे ही दीजिए, 7-7.5 ज्यादा तक, तो इस टाइम आप इसको दे सकते हैं। ये इसके बेस्ट रिजल्ट निकलेंगे अगर आप इसको मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम देंगे। प्लांट्स की गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से और इसको आप मिट्टी में इस तरीके से दीजिए। और दोस्तों, आप ना इसको स्प्रे में भी डाल के, स्प्रे बॉटल में भी डाल के ना अपने पत्तों में भी छिड़काव कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, दोनों ही तरीके से आपके प्लांट्स की ग्रोथ होगी, आपके प्लांट्स की स्टेम्स मजबूत होगी, यानी कि जड़ें मजबूत होगी, उसके स्टेम्स मतलब उसकी टहनियां मजबूत होगी, उसमें पत्ते प्रोड्यूस करना बहुत हेल्प मिलेगी, उसको फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जो है ना फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने ये सीक्रेट का राज आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसको दे देंगे। दोस्तों, इसका रिजल्ट ना आपको 7वें दिन ही देखने लगेगा। तो इस फर्टिलाइजर को ना आप 15-15 डेज के गैप में दे सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर अब आप जरूर बनाएंगे ना, कभी तरबूज के छिलके बिल्कुल मत फेंकिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज तो बताना ही भूल गई, ये जो छिलके बचे हुए हैं ना, इसको हम अपनी कंपोस्ट में यूज कर लेंगे। कंपोस्ट में भी कंपोस्ट का जो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और हमारी फ्री की कंपोस्ट बन जाएगी। तो ऐसे ही छिलके आप कभी भी अपने घर में जो आपके किचन वेस्ट से छिलके निकलते हैं, तो आप उसको हमेशा कंपोस्ट में यूज किया कीजिए, ताकि हमारा एनवायरमेंट भी साफ रहे और हमारी फ्री में कंपोस्ट भी तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों, कंपोस्ट को घर में बनाने का ना एक अलग ही मजा है। मैंने इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो डाली है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जो उसका 3 महीने का जो प्रोसेस होता है ना, 60-90 डेज, जैसे जैसे कंपोस्ट तैयार होती है, वो पूरा प्रोसेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल की एक वीडियो पे डाला हुआ है, डिटेल वीडियो है, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक भेज दिए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, और नहीं तो मैं आई बटन में भी शेयर कर देती हूं और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूं, ताकि आपको इजी हो जाए इस वीडियो को देखना। तो दोस्तों, अब आज के बाद आप इस वाटरमेलन को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे ना, प्रॉमिस प्रॉमिस, ठीक है, गुड। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइए, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल होना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे करने के लिए बोलना, ताकि वो भी अपने प्लांट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बचा सके। तो तपती गर्मी में एक बेस्ट फर्टिलाइजर है, आप इसे जरूर देना, ताकि आपके प्लांट जले नहीं, डायबैक ना मारे, तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।